तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं हम अब पिस्ता हाउस, ये देख रहे हैं आप मेरे सामने, क्योंकि हैदराबाद का काफ़ी मशहूर है और यहाँ का हलीम काफ़ी मशहूर है। पिस्ता हाउस चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे क्या क्या यहाँ वैरायटी मिलती है और खाकर उसका ज़ायका भी आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। जी सर, दो पत्थर का गोश्त। जी सर, और तंदूरी रोटी। सीख कबाब है, पत्थर गोश्त है, ये ब्रोस्ट है साहब, वाह वाह वाह। और ये पिस्ता हाउस का एप्रिकॉट डिलाइट है। तो फ्रेंड्स ये ब्रोस्ट खाने के बाद ये इनकी स्पेशल दम चाय है। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं हम अब पिस्ता हाउस, ये देख रहे हैं आप मेरे सामने, क्योंकि हैदराबाद का काफ़ी मशहूर है और यहाँ का हलीम काफ़ी मशहूर है। पिस्ता हाउस चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे क्या क्या यहाँ वैरायटी मिलती है और खाकर उसका ज़ायका भी आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। हैदराबाद के अलावा यूएई, यूएसए, कतर, ओमान और न्यूज़ीलैंड में इनकी ब्रांचेस खुल चुकी हैं। अंदर जाते ही हमने इनके मैनेजर से पूछा कि आप क्या यहाँ स्पेशल लोगों को दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बिरयानी के अलावा यहाँ उनका पत्थर गोश और सीख कबाब काफ़ी स्पेशल हैं, तो हमने वही इनका ऑर्डर कर दिया। सीख कबाब है, पत्थर गोश है। और कौन सा कबाब है? ये है ना पत्थर गोश, यही खास तौर पे ट्राई किया जाए। पत्थर गोश हमने इनका ट्राई किया, ये बोनलेस हैं और ड्राई हैं, मसाले बिल्कुल हल्के हैं, चिकनाहट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। मेरे ख़्याल से बहुत कम तेल में इसको इन्होंने फ्राई किया है या रोस्ट किया है। ओवरऑल टेस्ट इज डिलीशियस, बहुत मज़ेदार है। ये हैदराबादी दम बिरयानी वीडियो अपलोड होगा तो लग रहा है। हाँ, डिफरेंट है थोड़ी, लखनवी बिरयानी से तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लखनऊ की तह वाली बिरयानी होती है और ये दम बिरयानी है। मेरे ख्याल से गोश्त बॉईल करके और चावल में दम लगा देते हैं इसको। गोश्त कच्चा होता है, कच्चे गोश्त की बिरयानी कहते हैं इसको। अच्छा, कच्चा गोश्त और दम लगा देते हैं चावल के साथ। मसाला लगा के 2 घंटे रख देते हैं गोश्त को। अच्छा, उसके बाद चावल को अलग से पकाते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत गलने के बाद नीचे गोश्त की तह बिछाते हैं, फिर ऊपर से चावल, फिर गोश्त, फिर चावल, फिर गोश्त, फिर चावल, दम लगा देते हैं। हाँ, उसके बाद देख को ऊपर से आटे से बंद कर देते हैं, दम लगा देते हैं। हाँ, नीचे से कोयला, इसीलिए इसको हैदराबादी दम बिरयानी कहते हैं। दम बिरयानी कहते हैं, कच्चे गोश्त की बिरयानी भी बोलते हैं, कच्चे गोश्त की बिरयानी। अब महाराष्ट्र में यूपी में जो बनती है तो वो गोश्त को अलग पकाते हैं, चावल को मिला देते हैं। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। के बाद ज़ाफ़रानी चाय है साहब, ज़ाफ़रान का जायका भी आ रहा है, ज़ाफ़रान की खुशबू भी आ रही है। चाय डिफरेंट है, अच्छी है चाय। हैदराबाद में एक अलग बात ये देखी कि हर अच्छे रेस्टोरेंट के बाहर पान की दुकान ज़रूर थी। जैसे ही हम पिस्ता हाउस से खाना खाकर बाहर निकले, सामने ही एक पान की दुकान थी, तो फिर पान खाना तो लाजमी बनता ही था। तो पहुंच गए हम लोग
पान का जायका लेने। अस्सलाम वालेकुम। ये ट्रेंड है कि अगर पान किसी को खिलाते हैं तो सलाम किया जाता है। भैया कैसा है पान? बहुत बढ़िया। चाहिए देखिए पान के साथ कैर भी रखते थे यार। ये पान मजा आ गया। काफी डिफरेंट पान है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो ये थे दोस्तों अभी हम पिस्ता हाउस, जो कि एक नए हैदराबाद में है। खाना भी हमने खाया, यहाँ का खाना अच्छा था। हैदराबादी दम बिरयानी खाई, वो भी काफ़ी अच्छी थी, और स्पेशली यहाँ की ज़ाफ़रानी चाय में तो मज़ा ही आ गया। हलीम अभी हमें नहीं मिला है यहाँ पर, मालूम चला कि हलीम सिर्फ रमज़ान में बनता है। और एक पत्थर गोश्त यहाँ का खाया, और सीख कबाब और बोटी कबाब जो काफ़ी अच्छे थे। चलते हैं फिर किसी और जगह पे, आपसे मिलते हैं, तब तक इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। तो ये दोस्तों अभी हम चार मीनार के पिस्ता हाउस पर आए हैं अभी डिनर करने के लिए। ये देख रहे हैं आप, कल हमने दूसरी जगह पे किया था, आज यहाँ डिनर के लिए आए हैं। ये ऊपर इनका रेस्टोरेंट है, नीचे इनका कैफ़े है, बेकरी आइटम मिलते हैं, ऊपर रेस्टोरेंट है। ऊपर जाएंगे और अब यहाँ पर इनका हम कुछ और आइटम ट्राई करेंगे, देखते हैं अंदर चलते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, बिरयानी वगैरह जो भी है सब मंगा सकते हैं, बिस्किट खलाखन मिठाई वगैरह जो भी है वो भी मंगा सकते हैं। हलीम सिर्फ इस रमजान, ओनली रमजान। ये ब्रोस्ट है साहब, वाह वाह वाह। पार्टी ऑर्डर बनाते हैं भाई। गोश्त इतना सॉफ्ट के ज़बान से टूट जाए, और पूरे मसालों का फ्लेवर, चावल बिल्कुल खिला खिला, हर एक निवाले में मसालों का फ्लेवर, हर एक निवाले में आपको इसमें जो मसाले इन्होंने मिक्स किए हैं उसका आपको फ्लेवर महसूस होगा। देखिए आप गोश्त की रंगत देखिए, और चावल मिलाकर एक भरपूर निवाला, वाह वाह मज़ा आ गया, बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही डिलीशियस। ये है
पिस्ता हाउस का चिकन ब्रोस्ट ऊपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ऑल राइट, बिल्कुल अभी भी बहुत कम मसाले, सिर्फ गोश्त का जायका ज़बरदस्त। गरम इतना है कि देखिए भापे निकल रही हैं अभी भी। इसको पीस को तोड़ दिया है, जबकि ये देखिए मज़ा आया, तो ये बेहतरीन है। गरम इतना है कि भैया मुझसे तो खाया नहीं जा रहा, ठंडा होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये भी आप कहिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्रोस्ट खाने के बाद ये इनकी स्पेशल दम चाय है पिस्ता हाउस की। चाय मंगाइए, चाय पीते हैं, देखते हैं कैसी होती है। और ये पिस्ता हाउस का एप्रिकॉट डिलाइट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने हमें दिया है। इसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। वाह, जैसा खाना पिस्ता हाउस का अच्छा है, ऐसे ही चाय का भी जवाब नहीं। बहुत ही बढ़िया चाय है ये, पिस्ता हाउस की दम चाय। सुभान अल्लाह, वाह वाह, मजा आ गया। हमें तो कैसा लगा ये तो बता दिए, एक नंबर। ये पिस्ता हाउस का एप्रिकॉट डिलाइट है, ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है हमको। ये भी बहुत अच्छा है यार, खाना सभी कुछ अच्छा है, यहाँ का वैरायटी सब अच्छी है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है पिस्ता हाउस की। आप लोग हैदराबाद आएं और पिस्ता हाउस पे ज़रूर आएं, यहाँ का खाना, यहाँ की मीठा, यहाँ की हर चीज़ ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा आपको। और ये घर ले जाने के लिए बिरयानी की पैकिंग भी हो गई है। तो दोस्तों, ये थे हम अभी पिस्ता हाउस अलीजा कोटला ब्रांच पे, चार मीनार से नज़दीक है। और यहाँ पर अभी हमने चिकन ब्रोस्ट खाया इनका, और यहाँ की चाय तो बहुत ही अच्छी है, खाना सभी अच्छा है। कल हमने इनकी दूसरी ब्रांच पे इनकी बिरयानी और इनका दूसरे चीज़ें हमने खाकर आपको बताई थी, और आज फिर हम यहीं आए हैं पिस्ता हाउस पर, क्योंकि खाना हमें बहुत पसंद आया। आप लोग भी हैदरा बताएं तो पिस्ता हाउस पे खाना ज़रूर खाएं, और यहाँ पर इनके काफ़ी बेकरी आइटम भी होते हैं, बिस्किट और काफ़ी चीज़ें, वो आप ले सकते हैं। और इनका कस्टमर केयर नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप उससे ऑर्डर करके इनका खाना मंगवा भी सकते हैं। हलीम सिर्फ रमज़ान में बनता है, याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया, गुड बाय।